हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग पैशन फिटनेस टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवांश। और गाइस, आज हम बात करेंगे कोर एक्सरसाइजेस की। कोर एक्सरसाइजेस में आज हम बात करेंगे अपर एब्स की, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिडल एब्स, देन लोअर एब्स, उसके बाद ओब्लिक्स, देन फुल कोर। तो गाइस, हमने कोर एक्सरसाइजेस इसलिए क्यों करी है क्योंकि सर्दियां बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ धुंध हो रही है। तो गाइज, आप अगर घर पे हैं, वर्कआउट करने नहीं जा पा रहे, तो भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद भी आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं, तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करें आज हम अपर एब्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, वी विल स्टार्ट विद द बेंट लेग ट्विस्ट। इसको हम बेंट लेग ट्विस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी इसमें लेग्स बेंट रहती हैं। नीज के साथ 90 डिग्री के एंगल बना के हमने लेग्स को साइड बाय साइड रोटेट करना है, और इसमें हमने 6 रेपिटेशन करने हैं, खाली इसको वन सेट करना। सो गाइज, ये वार्म अप सेट में आएगी, इसको हमने वार्म अप के लिए यूज करना है। और हमने ध्यान के रखना है कि हमारे शोल्डर ग्राउंड से ऊपर नहीं उठने चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ। नाउ गाइस, सेकंड एक्सरसाइज इज द रिवर्स क्रंच। रिवर्स क्रंच में पोजीशन क्या रहेगी, हमने अपने नीज 90 डिग्री पर रखने हैं और हमारी लोअर बैक नीचे ही रहनी चाहिए, वो हमने नहीं उठानी है। हमारे हैंड्स बिहाइंड द ईयर, इसमें हमने फोकस क्या करना है, हमने लेग मूवमेंट जितनी कम हो सके उतनी कम करनी है, इससे हमारे ये बहुत अच्छे होंगे। इसका असर सीधा आपके अपर एब्स पर आएगा, जो आप फील कर पाएंगे। एंड नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज द वी क्रंच। इसमें हमारी पोजीशन वी की शेप में रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमने क्रंच करना है। हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं, हैंड ऑन द ग्राउंड, चेस्ट लिफ्टेड अप, और लेग्स को हमने इन एंड आउट करना है। तो गाइस, इसके हमने इसके और पिछली एक्सरसाइज के और आने वाली सारी एक्सरसाइज के 12, 10 एंड 8 रेपिटेशन मारने हैं विद 3 सेट्स। एंड गाइस, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द वी होल्ड। वी होल्ड से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमने हर सेट के बाद 20-25 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। और नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन वी होल्ड। वी होल्ड में हमारे हैंड ऑन द ग्राउंड रह सकते हैं या फिर अपने स्टमक पे रख सकते हैं। इसमें हमने 3 सेट्स करने हैं 30-30 सेकंड ईच, और इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम वी क्रंच वाली रहेगी। एंड नाउ गाइस, फिफ्थ एक्सरसाइज इज द रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट गाइस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके कोर के लिए। इसमें हमने करना क्या है, हमने अपने लेग्स या तो हम ग्राउंड पे रख सकते हैं या फिर लेग्स हम ऑन द एयर इन द एयर रख सकते हैं। इसमें हमने अपने हैंड्स साइड टू साइड रोटेट करने हैं। जैसे जैसे आप एडवांस करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप अपने हैंड में वेट होल्ड कर सकते हो, चाहे वो डंबल हो। डंबल नहीं है तो घर पे ईंट होगी, वो आप होल्ड कर। एंड नाउ फ्रेंड्स, सिक्स्थ एक्सरसाइज इज द हील टच। हील टच में हमने अपने फुट लेग से उतने दूर रखने हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप बने लेग और फुट में, और हमारे हैंड्स पूरे स्ट्रेच हो जाएं वाइल टचिंग द हील। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो अपर बैक है वो लिफ्टेड रहे और लोअर बैक ऑन द ग्राउंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें गाइज हमने फुल फोकस अपने अपर एब्स पे करना है और पूरा प्रेशर भी फील करना है। एंड नाउ गाइज, द सेवेंथ एक्सरसाइज इज द रोनाल्डो क्रंच और वन लेग क्रंच। इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने फर्स्ट लेग को सेकंड लेग पे होल्ड करना है। लाइक हमने अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग पे होल्ड किया, तो हमने विद द हेल्प ऑफ राइट एल्बो क्रंच टुवर्ड्स द लेफ्ट लेग, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली हमने जब राइट लेग को लेफ्ट लेग पे होल्ड किया, तो विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एल्बो वी हैव टू क्रंच टुवर्ड राइट। ये हमारे कोर को ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है दोनों मसल्स को ट्रीट करने के लिए, बोथ कोर एंड अपर। एंड गाइस, एट्थ एंड द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर योर कोर इज द प्लैंक। प्लैंक में हमने अपनी बॉडी मूवमेंट पे फोकस करना है गाइस। बॉडी हमारी बिल्कुल अलाइंड होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, फेस टुवर्ड द फ्रंट, और हमने अपने एल्बोज को शोल्डर के डायरेक्टली अंडर प्लेस करना है। हम अपने हैंड्स को या तो ग्रिप क्लोज कर सकते हैं या फिर ग्रिप वाइड कर सकते हैं एज पर आर कम्फर्ट लेवल। इसमें हमने 3 सेट्स करने हैं और 3 सेट्स में 1 मिनट ईच सेट। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइज। और गाइज, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मिथ है ना कि आप एब्स की एक्सरसाइज डेली नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिगनिंग कर रहे हैं और अगर आपने अपर एब्स की करनी है, तो आप उसको डेली कीजिए। एक बार आप अपर एब्स में परफेक्ट होंगे, मिडल, देन लोअर, देन ओब्लिक्स। ये जब आप परफेक्ट कर लेंगे, जब आप पूरी कोर की एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे मैं वीडियो आगे डालूंगा, तो उसको आपने एक दिन छोड़ के करना है। उससे पहले जो आपने अपर एब्स की करनी है ये डेली करनी है। जब पूरा कोर करेंगे तो आपने एक दिन छोड़ के करनी है। तो गाइज, आई होप ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइजेस और आपको इसके रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। तो गाइज, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।